हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पे बारिश बंद हो गई है, सारे लोग हाजिर हुए हैं, अल्लाह के नबी बारिश नहीं बरस रही, सब्जा खुश्क हो चुका है, सब्जा ना होने की वजह से हमारे जानवर कमजोर पड़ गए हैं। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह बारानी रहमत बरसाए। आपने फरमाया सारे मेरे साथ चलो, इस्तिस्का अदा फरमा के अल्लाह के हुजूर दुआ की, रब करीम तेरी मखलूक है इन पे बारिश बरसा। लिखा बारिश को नहीं बरसी, धूप और तेज हो गई। या अल्लाह हम तो बारिश मांगने आए थे तो बारिश तो बरसी कोई नहीं बल्कि धूप और तेज हो गई। तो आगे से जवाब क्या था, कलीम ऐ मेरे नबी अलैहिस्सलाम, ये जो बंदे आप लेके आए हैं ना नमाज के लिए, इनमें एक बंदा ऐसा भी है जिसको 40 साल हो गए हैं, उसने हमें एक सजदा भी नहीं किया, उसकी रातें पाक नहीं हैं, उसकी तन्हाइयां पाक नहीं हैं, हमने उसे बड़ी मोहलत दी है, हमने उसे बड़ी ढील दी है, लेकिन अब खत्म, ये जो बारिश नहीं ना बरस रही ये उसकी नहुसत है। अरे जी एक बंदा सिर्फ हो जिनमें 40 साल हो जाए और आप उन्हें सजदा ना करे तो बारिश ही बंद हो जाए, इतने किन्ने किन्ने हजरत जी, इतने महल्ले भरे ने हजरत जी, इन्होंने 40-40, 50-50 साल हो गए, कभी मालक अगे चुके ही नहीं, आए ही नहीं कभी मस्जिद, रमजान में भी नहीं आए, ऐसे ऐसे बदकिस्मत भी हैं। और दुख यह है कि उनको इस बात का दुख ही नहीं है कि हमसे बड़ा बदकिस्मत ही कोई नहीं, कि रमजान में भी अल्लाह ने हमें अपने घर आने की तौफीक नहीं दी है, वो अपने मोबाइल पे, वो अपनी घड़ी पे, वो अपने ताल्लुकात पे, वो किसी सोसाइटी में अपना घर होने पे बड़े खुश हैं, लेकिन उनको इस बात का पता ही नहीं कि अल्लाह हमसे इतना नाराज है कि सबसे मुसलमानों का खास और खास मौका, मुसलमानों के सबसे खास अय्याम शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहि अल-कुरान, सबसे मुबारक महीना मुसलमानों का, अल्लाह ने उसमें मुझे अपने घर में आने की तौफीक नहीं दी। वो इसी बात पे खुश है कि मेरे पास iPhone 13 Pro Max है, वो इसी बात पे खुश है कि मेरे पास बड़ी कीमती गाड़ी है। और याद रखना पुत्र, मेरे भाइयों काकियों, सबसे अल्लाह का सख्त तरीन अज़ाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाज़ फरमा रहे थे अपनी उम्मत को, फरमाया अल्लाह की नाफरमानी ना करो नहीं तो तुम पे फुला फुला अज़ाब उतरेगा। एक शख्स उठ खड़ा हुआ, अर्ज करते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो फुला फुला अज़ाब आएगा, मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूं उसकी नेमतें मुझ पर बढ़ती जाती हैं, माल बढ़ा है बढ़ रहा है दिन ब दिन, औलाद बढ़ी है बढ़ रही है दिन ब दिन, तो फिर सजा का है कि हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे तशरीफ ले गए, जाके अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया अल्लाह मैं तेरी मखलूक को तेरी तरफ दावत दे रहा था, उनको गुनाहों की नहुसत से डरा रहा था, गुनाहों के अज़ाब से डरा रहा था, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो ये अज़ाब तुम पे उतरेंगे। एक बंदा उठ खड़ा हुआ और आगे से अर्ज करता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मैं तो जैसे जैसे नाफरमानी करता हूं मुझ पे उसका करम उसका फजल बढ़ता जाता है, मैंने पूछा क्या करम है, उसने कहा माल बढ़ा है बढ़ रहा है, औलाद बढ़ी है बढ़ रही है, मवेशी बढ़े हैं, जमीने बढ़ी हैं, खेती बाड़ी बढ़ी है बढ़ रहा है मेरा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे कलीम मेरे जो अजाब के अंदाज हैं, मेरी जो अजाब की सूरतें हैं, उनमें से जो सख्त तरीन अजाब है इस वक्त मैंने उस बंदे को वो अजाब दे रखा। अर्ज की अल्लाह के अर्ज की रब्बे करीम क्या है तेरा सबसे सख्त तरीन अजाब, फरमाया मेरे कलीम जिससे मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूं उससे मैं तौफीक के सरदा छीन लेता हूं। अपने आईफोन पे खुश ना हो, किसी सोसाइटी में घर बना के खुश ना हो, ब्रांड के कपड़े पहन के खुश ना हो, असल शानों वाला वो ही है जिसको तौफीक के सजदा है। हाँ ना भाई शैतान के धोखे में आना, ये कोई ना समझे मैं किसी को टिचकर कर रहा हूं, ये सारी नेमतें मेरे अल्लाह ने मुझे भी दे रखी लेकिन कुछ नहीं तौफीक के सजदा, इसे तौफीक के सजदा नहीं, फरमाया सख्त तरीन अज़ाब में मुबतला है, मैंने इससे तौफीक के सजदा छीन ली है, मैंने इसे अपना नाम देने की तौफीक छीन ली है, ना धोखे में आना, जिसे वो राजी होता है जिसे वो खुश होता है उसे तौफीक के सजदा देता है। लेकिन क्या है हम जनाब मॉडर्न सेकुलर बहू जी साहब जी बड़े खुश दुखी नहीं है कि मुझे रमजान में भी तौफीक की नमाज नहीं है, मुझे रमजान में भी अल्लाह ने अपने घर आने की तौफीक नहीं दी है। फरमाया 40 साल गुजर गए हैं उसे कहीं बाहर आए सबके सामने आके अपने जुर्मों का इकरार करे, अब उसको पता है बाकी किसी को नहीं पता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुखातिब हुए, फरमाया कौन है जिसको 40 साल गुजर गए उसने एक सजदा भी अपने अल्लाह को नहीं किया, कौन है, रातें पाक नहीं तन्हाइयां पाक नहीं, बाहर आओ आके अपने जुर्मों का इकरार करो। अब वो क्या उसको पता है, सज्जे खब्बे अगे पीछे वाले को नहीं पता कोई, उसने ना चादर में मुंह छुपा लिया ताकि दाएं बाएं वाले को ना पता चल जाए,
और अर्ज क्या करता है, रब्बे करीम 40 साल गुजर गए, जैसे गुजारे सो गुजारे, रातें जैसी थी जैसी थी, वो मेरे मालिक अगर 40 साल पर्दे डाल के रखे तो क्यों लगा सबके सामने मेरे पर्दे खोलने। अगर तू खोलना चाहता तो लोगों के सामने खोल सकता था, लेकिन तूने नहीं खोले है, पर्दा ही रखा, लोगों में यही बनाए रखा कि बंदा बड़ा ठीक है, बंदा बड़ा ठीक है। हाँ दर्जी खोलन ते आए थे तो डर लगता मियाँ, खोलन ते आए थे पलियों पलियों के खोल छड़े दरी। और पुत्र गल तो मुसल दसा, गल सिर्फ है ही पर्दा ही पाए इस, बाकी गल कोई नहीं है, पर्दा ही पाए। मेरे कीम साहब रहमतुल्लाह ताला से किसी ने पूछा, हुजूर ने क्या है बद क्या है, फरमाया मियाँ गल तू ओखी पूछ बैठा है, लेकिन फिर सुन जो पूछी गई है, फरमाया जोड़ा फड़ कते वो बद, जोड़ा ना फड़िया जाए वो नेक, बाकी चुप ही चंगी है मियाँ। पुत्र पर्दे ही पाए, बाकी मैं भी अपना पता है तो तुम्हें भी अपना पता है, सारे भी अपना अपना पता है, सिर्फ है कि पर्दे पाए सुन। सिर्फ मुझे अब बड़ा गुस्सा आता है, अभी आता है, अल्लाह इंशाल्लाह मुझे मुकम्मल शिफा दे देगा। अब मैं सिर्फ ये सोच के ना मैं गुस्सा पी जाता हूँ, कितने मेरे खोल ना छड़े इधर जी, मैं गिरफ्त करा मेरी उठू ना हो जाए, मैं चुप कर जाता हूँ, कोई ऐसा ना करे, पर्दे पाए जी, जो फिर पर्दे खोल देना तो फिर वे बड़े जलील होंगे जी इधर जी, भावें वह को वजीर आजम होए तो भावें जोड़ा मर्जी हो। अर्ज करता है रब्बे करीम अगर 40 साल नहीं खोले, तूने पर्दे डाले रखे, अब क्यों लगा पर्दे खोलने। मेरे मालिक मुझे इन सब में रुसवा न कर, मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा। मैंने कहा ना भाई इन्नी की गल होती मान जाओ जी, अब कोई कोई कमीना हो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मर्द हो बदरे जी, बंदा थले बह जाना माफ भाजी छड़ दो भाजी छड़ दें, मैं कमीने की बात नहीं कर रहा, वो भी छड़ छड़ता कि यार बंदा थले डिग पे इन जी गल एनी जी गल जा पो थले माफी दे अगू नहीं कर। और माफी आज रात इस तरह नहीं माननी कि पिछलिया की माफी तो अगू फिर शुरू पक्की तौबा करनी, हो गए हो गया वो फिर माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पुकार रहे हैं, कौन है, या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू माफ कर, या अल्लाह मैनू ना ना मैनू सारे दे विच मेरे मेरे मुहल्लेदार भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, मेरी औलाद भी है, अल्लाह हदीस में ऐसा कुछ नहीं दिखा हुआ, मैं वैसे कह रहा हूँ, ज़ाहिर उसके दिल में ख्याल तो आया होगा, पता नहीं वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था, वो मुझे क्या समझता था। आज सबके सामने खुल जाएगा कि मैं हूं वो जिसकी नहुसत से बारिश ही बंद हो गई, मैं हूं इतना गुनाहगार, मैं हूं रब का इतना नाफरमान, ख्याल तो आया होगा ना दिल में, बेटा भी खड़ा है, बाप भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, भतीजा भी खड़ा है, भांजा भी खड़ा है, सबके सामने, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। कहता रहा पुकारता रहा, कहता रहा पुकारता रहा, बस लिखा है एक एक आंसू रुखसार पे गया है, बस आंसू का आना था, दरिया रहमत जोश में आया और छमा छम बारिश बरसी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रिज़ किया, अल्लाह के अल्लाह करीम तू कह रहा था कि एक बंदा है 40 साल हो गए अमल ठीक नहीं, ये उसकी नहुसत है, बारिश नहीं बरस रही, तो बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, तो या अल्लाह बारिश क्यों बरसा दी। फरमाया मेरे करीम जिसकी वजह से नहीं ना बरसा रहा था, मैंने अबूसी की वजह से बरसा दी है। अल्लाह बंदा तो बाहर आया कोई ना, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हज़रत बंदा तो बाहर आया कोई नहीं, फरमाया कलीम जिसकी वजह से नहीं ना बरस रही थी, अब उसी की वजह से बरसाई है। हल्कि रब्बे करीम हुआ क्या, फरमाया मेरे कलीम बंदे ने सुलह कर लिया मुझसे, बंदे ने मुझसे